एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैं एम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मॉर्निंग में मैं आ गई हूँ आप दोनों की आज की एनर्जीज लेकर। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आप दोनों की आज की एनर्जीज कैसे रहने वाली हैं। साल 2024 की ये पहली रीडिंग है गाइस, आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, मस्त रहे, आप सभी की सभी इच्छाएं पूरी हों, इसी मनोकामना को लेकर रीडिंग को शुरू करती हूँ। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे, आपके परिवारजनों पर बना रहे, हमेशा खुश रहें, मस्त रहें। शुरू करते हैं गाइस साल की पहली रीडिंग, देखते हैं क्या एनर्जीज निकल कर आती हैं। तो ये है गाइस आपकी एनर्जी, ये है आपके पर्सन की एनर्जी। आपकी तरफ पहला कार्ड, वी हैव फोर ऑफ वाटर, एस ऑफ वाटर, क्वीन ऑफ अर्थ, नाइन ऑफ फायर, द ड्रीमर, सेवन ऑफ अर्थ। ओवरऑल एनर्जी वी हैव यूनिटी। यहाँ पर जो वाइब्रेशन है उसके अकॉर्डिंग ऐसा लग रहा है जैसे बहुत सारे लोग शादी के बंधन में बनने वाले हैं। आपकी ऐसी वाइब्स हैं, आपके सबकॉन्शियस माइंड में ऐसी वाइब्स हैं। आप में से बहुत सारे लोगों के मन में ये चीज़ें चल रही हैं कि आपका जो स्पिरिचुअल जर्नी है वो कंप्लीट हो। आपकी लाइफ में अगर आप शादी करना चाहते हैं अपने पर्सन से तो आपको कमिटमेंट रिसीव हो, और आप काफ़ी अच्छा सोच रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हैं। साथ ही साथ ये भी नज़र आ रहा है कि आप बहुत ज़्यादा आज के दिन दर्शन करना, पूजा पाठ करना, काफ़ी स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ना, इस तरह की वाइब्रेशन यहाँ पर नज़र आ रही है बिकॉज वी हैव यूनिटी एनर्जी। देन कलेक्टिव एनर्जी वी हैव द ड्रीमर, द फूल, न्यू बिगनिंग की वाइब्रेशन है। फूल नई शुरुआत को दर्शाता है और यहाँ पर आज से एक नई शुरुआत है ही, वन वन की एनर्जी है, ठीक है। और यहाँ पर है चेंज, आप अपनी लाइफ में कुछ सिचुएशंस को चेंज करना चाहते हैं। आपके अंदर ऐसी मोटिवेशन है कि मुझे इन सिचुएशंस को चेंज करना है, बदलना है। अपने नेचर में भी आप थोड़ा सा चेंज लेकर आएंगे। जैसे अगर कोई बहुत ज़्यादा ही सीधा है, अगर कोई बहुत ज़्यादा ही शांत व्यक्ति है, तो वो अगर उसको पता है कि 2023 में उसकी शांत रहने की एनर्जी नुकसानदायक रही है, बहुत लोगों ने उसका फ़ायदा उठा लिया है, तो इस साल की शुरुआत से ही कुछ अपने अंदर अपनी एनर्जी में शिफ्ट लेकर आएंगे, चेंज लेकर आएंगे। ये मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ। ऐसे बहुत सारे लोगों की अपनी अपनी कुछ ना कुछ एक्सपीरियंसेस रहे हैं 2023 से, और वो इस साल में वो गलती रिपीट नहीं करना चाहते। तो ये काफ़ी अपने आप में एक ड्रीमर की एनर्जी है, सोच समझ कर कदम आगे बढ़ाने की वाइब्रेशन है। वी हैव फोर ऑफ वाटर। कुछ लोगों की एनर्जी आज ऐसी है जैसे आपने कोई अपॉर्चुनिटी ही मिस कर दी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी को न्यू ईयर की विशेज नहीं आई हैं, न्यू ईयर पे कॉल नहीं आया उनके पर्सन का, मैसेज नहीं आया अभी तक, तो आपको ऐसा लग रहा है कि यार क्या ये, मतलब इस टाइम पीरियड में तो लोग एक दूसरे को विश कर ही देते हैं, मतलब अननोन को भी लोग विश कर देता है। तो ऐसे टाइम पीरियड में भी अगर आपके पर्सन ने आपको कॉल मैसेज नहीं किया है, तो कुछ लोगों के मन को बहुत दुख पहुंचा है। यहाँ पर आपको ऐसा भी लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा, या तो आपने गलत पर्सन को पसंद किया है, या तो फिर ईगो बहुत ज़्यादा है, कुछ ना कुछ ऐसा आपके मन में है जिसके आप थोड़ा सा डिस्कनेक्ट रहना चाहेंगे। आपका मन नहीं लगेगा, पूरी दुनिया आपको विश कर दे, आपको वो खुशी नहीं मिलेगी क्योंकि आप जिससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो पर्सन अभी तक नहीं आया है। इस तरह की कुछ लोगों की एनर्जी है। काफ़ी लोग काफ़ी हैप्पी हैं क्योंकि उन्होंने जो भी प्लान किया था सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग गया है, काफ़ी हैप्पीनेस है। यहाँ पर फॉलिंग इन लव की एनर्जी है, तो काफ़ी लोगों को प्रपोजल मिले हैं, काफ़ी लोग ऑलरेडी कमिटेड रिलेशनशिप में हैं, उनको उनके पर्सन की तरफ से कॉल मैसेजेस आए हैं। नहीं आए हैं तो आ जाएंगे क्योंकि यहाँ पे वाइब्स बहुत पॉजिटिव है। वी हैव नाइन ऑफ फायर। कुछ लोग इनसिक्योर हैं, डोंट गिव अप की एनर्जी आप यहाँ पे पढ़ भी सकते हैं, डोंट गिव अप की एनर्जी है। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी भी गिव अप नहीं कर रहे हैं। अगर अभी भी चीज़ें, मतलब जैसा मैंने कहा, अगर सिचुएशन ऐसी है कि अभी तक आपको मैसेजेस नहीं रिसीव हुए हैं तो भी आप गिव अप नहीं कर रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि ठीक है, हो सकता है कहीं परेशान हो सकता है कहीं उलझा हुआ हो या उलझी हुई हो, थोड़े टाइम तक आप अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, हो सकता है उसके बाद आप स्वयं ही सामने से उनको कॉल मैसेज करें, आप
इतना करेज इकट्ठा करें कि मतलब उनसे बात करें कि आखिर क्यों, क्या चल रहा है, सब ठीक तो है ना, इस तरह की वाइब्स हैं यहाँ पर। कुछ प्लानिंग करते हुए भी आज के दिन में आप नज़र आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि आप रुकेंगे, सोचेंगे, फिर एक स्टेप लेने की आगे बढ़ेंगे, फिर रुकेंगे, फिर सोचेंगे। बहुत फूक फूक के कदम रखने वाली एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए आज का दिन फाइनेंशियल तौर पर काफ़ी अच्छा है। कुछ आप नया शुरू कर सकते हैं, कुछ क्रिएटिव माइंडसेट से, न्यू बिगनिंग का नंबर भी है 1-1, तो यहाँ पर डेफिनेटली कुछ नई शुरुआत यहाँ पर हो सकती है। जैसे आपने कोई बिजनेस शुरू करना है, या कहीं आपको कुछ कोई क्रिएटिव आइडिया है, या जॉब आपको ज्वाइन करनी है, कुछ ना कुछ यहाँ पर इस तरह की वाइब्स हैं। सो ओवरऑल आज की एनर्जी आपकी काफ़ी अच्छी है, पॉजिटिव है। कुछ लोगों को मैं यही कहूँगी कि नेगेटिव मत सोचो, होपफुल रहो, पॉजिटिव रहो, और देखो, जस्ट वेट एंड वॉच। आपके पर्सन की तरफ पहला ही कार्ड है ईगो। मैंने अभी देखी, मुझे पता भी नहीं था कि इसमें कार्ड क्या है, बट मैंने आपको कहा था कुछ लोगों के पर्सन ईगो की वजह से वापस नहीं आ रहे हैं, तो हो सकता है वो वेट कर रहे हों आपका कि आप करोगे, और आप वेट कर रहे हो उनका कि वो करेंगे। तो ये पहले कौन में गाड़ी छूट जाएगी, ये वाली चीज़ें हैं। ईगो का कार्ड है यहाँ पर, मतलब पहला ही ये एंजल्स ने क्लियर कर दिया कि कुछ लोग अगर डिसअपॉइंटेड हैं, हो सकता है आपके पर्सन ऐसा सोच रहे हो कि आप करने वाले हो, ये ईगो में मुंह फुला के बैठी हैं या बैठे हैं। देन वी हैव रिलीज। यहाँ पर आपके पर्सन की एनर्जी में है एक बड़ा चेंज, एक बड़ा शिफ्ट। एंड अगेन वी हैव गॉट नंबर 8, जस्टिस की एनर्जी है। 8 नंबर शनि का है, शनि का साल है, शनि का साल है। इस पर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट एक मैसेज है कि जैसा आपका कर्म होगा वैसा आपका फल मिलेगा इस साल में। 8 नंबर अबंडेंस को भी दर्शाता है, 8 नंबर इन्फिनिटी को भी दर्शाता है। तो अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो इनफाइनाइट ब्लेसिंग्स आपको इस साल में मिलने वाली है। लेकिन अगर कर्म आपके इस जन्म के या पास्ट लाइफ के कुछ ना कुछ ऐसे कर्म रहे हैं, तो इस लाइफ में, इस साल में आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि किस तरह के रिजल्ट्स आपको मिल रहे हैं, उसके बेसिस पे आप काफ़ी चीज़ें जज कर पाएंगे। तो आपके पर्सन की एनर्जी में जस्टिस की एनर्जी है, ईगो की एनर्जी है, मतलब जस्टिस एंड डेविल, ठीक है। इसके अलावा वी हैव डेथ, यहाँ यमराज की एनर्जी है, राहु केतु की एनर्जी है, और शनि की एनर्जी, मतलब सारे मैलेफिक एनर्जीज यहाँ पर हैं। इनकी आज की एनर्जी काफ़ी हैवी रहेगी, क्योंकि तीनों के तीनों मेजर अरकाना है। इसके बाद वी हैव 5 ऑफ अर्थ, एस ऑफ फायर, नाइट ऑफ अर्थ, एंड वी हैव 8 ऑफ फायर। काफ़ी लोगों को मैसेजेस आएंगे, क्योंकि आपके पर्सन की तरफ ओवरऑल एनर्जी में मैसेज की एनर्जी है। तो खुश हो जाइए, आपके चेहरे पे स्माइल आ जानी चाहिए इस रीडिंग को देखने के बाद, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैसेजेस आने वाले हैं, कॉल्स आने वाली हैं। तो आपके पर्सन थोड़ा टाइम तक रुके हुए हैं, एक्सपेक्ट कर रहे होंगे आपसे, लेकिन अगर आपका नहीं मैसेज आता है तो ये एफर्ट डालेंगे, ठीक है। ये चीज़ें हैं यहाँ पर, ऐसा नहीं कि अगर ये गए हैं तो ये वापस भी आएंगे। एस ऑफ फायर, तो आज के दिन काफ़ी लोगों के पर्सन काफ़ी ज़्यादा पैशनेट है, रोमांटिक एनर्जी है, मिलना चाहेंगे, बात करना चाहेंगे, देखना चाहेंगे। डेविल एनर्जी है, थोड़ा पॉजिटिव है, थोड़ा ईगो में भी है, ये भी एनर्जी यहाँ पर है। कुछ लोगों के पर्सन ईगो की वजह से थोड़ा लेट मैसेज कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ फेयर डिसीजंस हो सकते हैं। यहाँ पर ये भी एनर्जी है कि आपके पर्सन स्टैंड लेना चाहते हैं आपके लिए, इस कनेक्शन के लिए। जिनसे भी आप प्यार करते हैं उनकी तरफ भी आपके लिए उतनी ही रिस्पेक्ट है, ऐसा यहाँ पर नज़र आ रहा है। इनको इस बात का पछतावा ज़रूर है आज के दिन में कि इन्होंने बहुत टाइम लगा दिया, ठीक है। लेकिन ये लॉयल हैं, डेडिकेटेड हैं, और ये आपको भी देख रहे हैं कि आप इनके साथ लॉयल हो, डेडिकेटेड हो, आप इस रिश्ते से आगे नहीं बढ़ रहे हो, आप रुके हो, वेट कर रहे हो। तो ये चीज़ें इन्हें आपकी तरफ और ज़्यादा आकर्षित कर रही हैं। थोड़ा सा इनको फाइनेंशियल टेंशन है आज के दिन। कुछ लोगों के पर्सन को फाइनेंस को लेकर थोड़ा सा ऐसा हो सकता है कि अगर जॉब नहीं है, या घर की स्थिति अच्छी नहीं है, या कोई कर्ज है, लोन है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है, या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, बहन की शादी करनी है, या कुछ ऐसी बर्डन है इनके ऊपर, तो यहाँ पर ऐसे लोगों के पर्सन आज के दिन में थोड़ा सा स्ट्रेसफुल हो सकते हैं। इनकी लाइफ में कुछ सिचुएशंस बहुत बड़े लेवल पर चेंज होने वाली है, और भगवान न करे साल का पहला दिन है, बट कुछ लोगों के पर्सन की एनर्जी में आज ऐसा भी है जैसे कि इनको कोई बैड न्यूज़ रिसीव हो सकती है। सो ये थी गाइज आज की एनर्जी। इसके बाद मिलते हैं बड़ी रीडिंग में। टिल देन टेक केयर गाइज, बाय बाय।